एमएफएसटी देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूं अरब ममालिक के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क लबनान की, जो दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसका सरबरा ईसाई है। आज की वीडियो में आपको लबनान की सैर और सियाहत के अलावा इसकी तारीख से भी आगाह किया जाएगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, शुक्रिया। दोस्तों लबनान का मुकम्मल और सरकारी नाम लेबनीज जमहूरिया है। मुल्क की सरकारी जबान अरबी है, इसके अलावा इंग्लिश, फ्रांसीसी, आर्मीनी और कई दूसरी जबानें भी बोली जाती हैं। लबनान के पहले दौर के लोग फनकी और सामी कहलाते हैं। दोस्तों लबनान की तारीख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लबनान का नाम पिछले 4000 साल गुजरने के बावजूद तब्दील नहीं हुआ। लबनानी लोगों के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले लिखाई को हरूफ की शक्ल इन्हीं लोगों ने ही दी थी और सबसे पहले जहाज रानी भी इन्होंने ही की थी। दोस्तों इस्लाम के इस दुनिया में आने से पहले इस मुल्क पर ईसाइयों और यहूदियों ने हुकूमत की। 1120 से 1697 तक मान खानदान ने इस साठ जमीन पर हुकूमत की, जिसके बाद ये इलाका 1697 से 1842 तक शहाब खानदान के कब्जे में चला गया। इस दौरान इस इलाके की तिजारत में बहुत इजाफा हुआ, खास तौर पर यूरोप के साथ रेशम की तिजारत कई गुना बढ़ गई। दोस्तों लबनान एशिया का आखिरी मुल्क होने और यूरोप के साथ जुड़ा होने की वजह से लबनानी लोगों के रहन सहन और रस्म और रिवाज में ऐसे यूरोपीय अवामिल शामिल हैं जिसको इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। शहाब खानदान की हुकूमत के आखिरी सालों में ये मुल्क अंदरूनी इंतशार यानी मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान खाना जंगी का शिकार हो गया, जिसका फायदा तुर्की ने उठाया और यहाँ सल्तनत उस्मानिया कायम हो गयी। लेकिन इस दौरान फ्रांस ने इस इलाके में अपने असर रसूख को बढ़ाते हुए मारूनी ईसाइयों की भरपूर मदद करना शुरू कर दी, जिसके नतीजे के तौर पर ये इलाका एक बार फिर इंतशार का शिकार होने लगा। इस खाना जंगी को देखते हुए सल्तनत उस्मानिया ने लबनान को मुसलमानों, ईसाइयों और द्रोज मजहब के लोगों की आबादी के हिसाब से तकसीम कर दिया, जो बेसुध रहा। दोस्तों पहली जंग अजीम के दौरान जब उस्मानी सल्तनत जवाल का शिकार हुई तो उस्मानियों के बनाए हुए लबनान के पांच इजला को लीग ऑफ नेशन की तरफ से फ्रांस को सौंप दिया गया। ये वही लीग ऑफ नेशन थी जिसे बाद में अक्वामे मुत्तहिदा का नाम दिया गया। दोस्तों हमेशा की तरह फ्रांस ने इस बार भी मारूनी ईसाइयों को नवाजने के सिलसिले को जारी रखते हुए 1932 में लबनान में मरदमशुमारी का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक मुसलमान 57%, ईसाई 40% और 3% द्रोज मजहब के लोग थे। मगर फ्रांसीसियों ने यहाँ भी शातराना चाल चलते हुए मुसलमानों में सुन्नी जो 27% थे और शिया 30% थे, दोनों को अलग अलग मजहब के पैरोकार बना दिया। इस तरह ईसाइयों को 40% आबादी के साथ अक्सरियती कौम करार दे दिया। सदर का ओहदा जिसके पास लबनानी कानून के मुताबिक मुकम्मल अख्तियार होता है मारूनी ईसाइयों को दे दिया। वजीर आजम जो ब्राय नाम होता है सुन्नी मुसलमानों के पास और स्पीकर का ओहदा शिया मुसलमानों को दे दिया, जो आज तक उसी तरह चल रहा है। दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा किया तो लबनान आजाद मुल्क करार पाया। यूं 26 नवंबर 1941 के रोज लबनान ने फ्रांस से आजादी का ऐलान कर दिया। 1940 तक काबिज फ्रांसीसी फौज ने ये इलाका मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया। दोस्तों 1932 के बाद से इस इलाके में मर्दमशुमारी तो नहीं होने दी गई। अगर मर्दमशुमारी करवा दी जाए तो मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो जाने की वजह से सदर का ओहदा मुसलमानों के पास चला जाएगा। 1975 से पहले लबनान मशरिक वुस्ता का पेरिस और स्विट्जरलैंड शुमार होता था, लेकिन बाद में होने वाली खाना जंगी ने इस मुल्क को तबाह हो बर्बाद करके रख दिया, जिसका इसराइल ने फायदा उठाते हुए लबनान पर दो बार हमला किया और सन 2000 तक लबनान पर काबिज रहा। दोस्तों इसराइल तहरीक हिजबुल्ला का बहाना बनाकर इस मुल्क पर कई बार हमला कर चुका है। इसकी ताज़ा मिसाल लबनान की बंदरगाह जो बेरूत में वाक़ है हाल ही में बहुत बड़े हमले की है, जिसमें हजारों अफराद अपनी जानें गंवा बैठे। दोस्तों अगर लबनान के महले वकू की बात की जाए तो लबनान के शुमाल मशरक की जानब शाम, जनूब में इसराइल और मगरब में बुहेरा रूम वाक़ है। बेरूत लबनान का दारुल हुकूमत होने का एजाज रखता है। ये दुनिया का वाहिद शहर है जिसे 8 बार तबाह और 8 बार तामीर किया गया है।
बेरूत यूरोप और अरब आबादी का मिला जुला शहर है। यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी, द्रोज और यहूदी भी। यही वजह है कि इस शहर में तमाम कल्चर नजर आते हैं। इसकी आबादी 25 लाख से जायद है। हमरा स्ट्रीट ऑफ बेरूत, ये लबनान की पुरौनक स्ट्रीट है, जहाँ कैफे, रेस्टोरेंट, थिएटर और यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ हर साल हमरा फेस्टिवल होता है, जिसमें लबनानी कल्चर के तमाम रंग नुमाया होते हैं। हमरा स्ट्रीट लबनानियों के बारे में जानने के लिए बेहतरीन जगह है। दोस्तों, लबनान बुहेरा रोम पर वाके मशरिक वुस्ता का एक छोटा सा मगर अहम मुल्क है। इसका कुल रकबा 10,492 मुरबा किलोमीटर है, जिसकी वजह से इसका शुमार दुनिया के 162वें नंबर पर होता है। ये मुल्क इस कदर छोटा है कि आप इसके एक कोने से दूसरे कोने तक एक दिन में जा सकते हैं। लबनान अरब ममालिक का वाहिद मुल्क है जिसमें कोई सहरा नहीं आता, और लबनान अरब ममालिक का सबसे ज्यादा ईसाई आबादी रखने वाला मुल्क है। लबनान पहला अरब मुल्क था जिसने अपनी आवाम को रेडियो और टीवी रखने की इजाज़त दी थी। दोस्तों, लबनान का स्काई बार क्लब दुनिया का बेहतरीन क्लब करार दिया गया है। फोरन इंडस्ट्री के मशहूर तीन अदाकाराएं एमी एंडरसन, कैटी कलियाना, जासमीन और मिया खलीफा जैसी फाहशाएं इसी सरजमीन की पैदावार हैं। यही वजह के गैर मुल्की सियाहों की बहुत बड़ी तादाद कुदरती हुसन के अलावा यहाँ का जिस्मानी हुसन देखने चली आती है। दोस्तों, लबनान की करेंसी को लेबनीज पाउंड कहा जाता है। एक पाकिस्तानी रुपया 9.19 लेबनीज पाउंड के बराबर है। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मुल्क के बारे में किताबें लिखी गई हैं, वो लबनान है। लबनान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस पर दुनिया के 15 मुख्तलिफ ममालिक ने कब्जा किया और अपनी अपनी हुकूमत कायम की। लबनान में बाकी अरब ममालिक की तरह ना तो ऊंट हैं और ना ही तेल के ज़खायर, लेकिन ये मुल्क सोने के सबसे ज्यादा ज़खायर रखने वाला मुल्क है। लबनानी कानून के मुताबिक किसी भी मुल्क का परचम लहराने पर मुकम्मल पाबंदी है। देवदार का दरख्त लबनान का कौमी दरख्त है, जिसको आप लबनान के कौमी परचम पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, मारियान का मज़ार मसीही जायरीन की मशहूर ज़ियारत गाह है, जो कि मेरोनाइट चर्च बेरूत शुमाल के पहाड़ी गांव हरीसा में वाके है। यहां पर 8.5 मीटर बुलंद 14 टन वजनी हाथ फैलाए लेडी मारियान का मुजस्मा नसब किया गया है। यहां हर साल मई के पहले एतवार को जश्न के तौर पर मनाया जाता है। लबनान में डॉक्टरों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो औसतन 10 इंसानों के हिस्से में एक डॉक्टर आता है, जबकि तरक्की याफ्ता यूरोप में 75 लोगों के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। दोस्तों, लबनान पाकिस्तान से 3,165 किलोमीटर दूरी पर वाके है। वक्त के लिहाज से लबनान पाकिस्तान से 3 घंटे जबकि इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। लबनान का कॉलिंग कोड +961 जबकि डोमेन नेम LB है। लबनान खुशबूदार सेब, देवदार के दरख्त और जैतून के पौधों की वजह से काफी मशहूर है। मुल्क की 15% आबादी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है, जबकि मुल्क की 25% आबादी सनअत के शोबे से वाबस्ता है। मुल्क की आमदनी का बड़ा हिस्सा बैंककारी और सियाहत जैसे शोबों से हासिल किया जाता है। दोस्तों, 1932 के बाद इस मुल्क में मर्दमशुमारी तो नहीं करवाई गई, मगर 2017 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 68 लाख के करीब थी, जिसकी वजह से इसका शुमार दुनिया के 112वें नंबर पर किया जाता है। दोस्तों, रोज पिजन रॉक्स की तस्वीर को तो आपने नेट पर जरूर देखा होगा, जैसे कबूतर सजदे में गिया हो। ये मंजर बेरूत के साहिल पर देखने को मिलता है। दोस्तों, लबनान के कानून में हम जिंस परस्ती जैसे शर्मनाक अमल को जायज करार देकर गैर मुस्लिम ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया गया है। फुटबॉल और बास्केटबॉल मुल्क में सबसे ज्यादा खेले जाने वाली और पसंदीदा तरीन खेले हैं। मुल्क में बेहतरीन यूनिवर्सिटियां भी कायम की गई हैं। मुल्क में तालीम की शरह 95% है। लबनान की कुल GDP 95 बिलियन US डॉलर है। दोस्तों, बेरूत शहर के मशहूर जगह जेम्सिस स्ट्रीट और तीर मोनो स्ट्रीट हैं, जहां के मैखाने और डांस क्लब यूरोपी तर्ज के हैं। अगर रात को इन इलाकों का चक्कर लगाया जाए तो लगता ही नहीं कि आप किसी अरब मुल्क में हैं। दोस्तों, लबनान में बनाई गई कारून की झील आर्टिफिशियल बनाई गई है। ये साफ पानी की सबसे बड़ी झील है। ये दरियाए लुटानी डैम के साथ बनाई गई है। इस झील का नाम कारून की झील क्यों रखा गया है, तारीख इस बारे में खामोश है। इस झील में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी है, सिर्फ बोट के जरिए इस झील में सैर करने की इजाजत है। सर्दियों में यहाँ का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर जाता है, जिससे बर्फबारी भी होती है, जबकि गर्मियाँ आमतौर पर गर्म और खुश्क होती है। यहाँ के खाने बहुत मजेदार और लोग मिलनसार हैं।
दोस्तों ये थी लबनान के बारे में एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।